हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं विभवांतर के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कल की वीडियो में हम लोगों ने या फिर पिछले वीडियो में हम लोगों ने विभव को समझ लिया था अच्छे तरीके से और उसके मात्रा, व्युत्पन्न सूत्र, ये सब हम लोगों ने देख लिए थे। आज के टॉपिक में हम लोग विभवांतर को पढ़ने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपका है विभवांतर। तो विभवांतर की हम लोग परिभाषा देखेंगे, फिर उसकी मात्रा देखेंगे और फिर उसका व्युत्पन्न सूत्र देखेंगे। तो सेम विभव की तरह ही विभवांतर होता है, लेकिन दोनों में सिर्फ एक अंतर यह होता है कि विभव में हम लोग परीक्षण आवेश को अनंत से लेकर आते थे। अनंत पर एक परीक्षण आवेश होता था, क्यों नॉट उसको हम लोग अनंत के लेके आते थे, अनंत से लेके आते थे, विद्युत क्षेत्र किसी एक बिंदु पर लेकर आते थे और जो कार्य करना पड़ता था वही आपका क्या होता था, विभव होता था। ये बात है। आज हम विभवांतर में जो परिभाषा होगी वो थोड़ी अलग है। तो ये यहाँ पे हम लोग अनंत से लेकर नहीं आएंगे, यानी आपके पास एक विद्युत क्षेत्र रहेगा, उस विद्युत क्षेत्र में ही आपको काम करना है। जैसे कि मेरे पास एक और बिंदु ले रहा हूँ, बी बिंदु, तो बी बिंदु से अपने को ए बिंदु पर एक आवेश, परीक्षण आवेश को लेके आना है। एक बार परीक्षण आवेश है वो विद्युत क्षेत्र में ही किसी बिंदु पर उपस्थित है और एक बिंदु से फिर हम लोग दूसरे बिंदु पर अगर लेके आएंगे तो एक बार जो आएगा वो आपका विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, तो जो कार्य करना पड़ेगा वही विभवांतर हो जाएगा। तो अगर मैं इसका अगर स्टैंडर्ड परिभाषा दूं तो वो ये हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश को किसी अन्य बिंदु पर ले जाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे, अन्य बिंदु पर ले जाने के लिए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग उस बिंदु पर या फिर उन दोनों बिंदुओं का क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो इन दोनों बिंदुओं के हिसाब से यहाँ पर आपके पास विभवांतर निकल के आएगा, जिसको हम लोग डेल वी से रिपीट करते हैं। ये हो गया विभवांतर। इस विभवांतर को या फिर आप चाहो तो बी ए बी से भी निरूपित किया जाता है, ये भी बात याद रखिए। या फिर हम लोग चाहे तो चूंकि ये दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर है अतः इसको हम लोग विभवांतर के नाम से स्पष्ट है विभव का अंतर, विभव का अंतर। तो अगर दोनों बिंदुओं के बीच का विभव मिल जाए तो आप इसको वी ए माइनस वी बी भी लिख सकते हैं, जहाँ पे वी ए का विभवांतर आपके पर विभव ज्यादा है और बी वी बी का विभवांतर कम है, तो हमेशा ज्यादा वाले से कम आंसर करते हैं। तीन तरीके से हम लोग विभवांतर को निरूपित करते हैं। तो अब इसका देखा जाए तो परिभाषा हो गई, इसका डायग्राम बन गया। अब हम लोग देखेंगे इसके सूत्र को पर फोकस करेंगे। तो अपने को क्या करना है, परीक्षण आवेश को यहाँ से यहाँ तक लेके आना है, फिर अपने को एक कूलम आवेश पर बात करनी है। तो समझ करके क्यों जो आवेश को, परीक्षण आवेश को हम लोग बी बिंदु से, बी बिंदु से बिंदु बी से बी बिंदु से ए बिंदु पर लेके आ रहे हैं, ए बिंदु पर लेके आए, लेकर आने पर जो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य है, तो जो आने पर जो कार्य होगा उसको मान लेते हैं W है। तो अपने को एक कूलम आवेश पर बात करनी है, तो एक कूलम आवेश पर बात करें, एक कूलम आवेश को बिंदु बी से, बिंदु बी से बिंदु ए पर लेकर आने पर जो कार्य करना पड़ेगा वो आपका क्या हो जाएगा, W हो जाएगा ऊपर में, और ये आपका आवेश हो जाएगा वो आपका नीचे में आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा, ये प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने विभवांतर का सूत्र देख लिया। अगर आप गौर किए होंगे तो विभव का भी सूत्र यही आ रहा था। विभव को अगर मैं याद दिलाऊं तो विभव का जो सूत्र आया था बी बराबर, वो आपका डब्ल्यू बटे क्यू नॉट ही आया था। इसका भी सूत्र डब्ल्यू बटे क्यू नॉट आ रहा है। इसका मतलब होता है कि इसका जो सूत्र है वो समान है लेकिन परिभाषा थोड़ा सा अलग है। इसमें हम लोग एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश, परीक्षण आवेश को लेकर के आते हैं और विभव में हम लोग अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एक बिंदु पर लेकर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतना अंतर है और सूत्र में तो कोई अंतर नहीं है, देखा जाए तो यही है। ठीक है, अब हम लोग इसके मात्रक की बात करेंगे। आपके पास डेल्टा है, डेल्टा का अगर मात्रक देखा जाए तो जिस प्रकार से हमको याद होगा कि विभव का जो मात्रक है वो हमेशा सूत्र से बनता है, तो इसका भी सूत्र आपके पास सेम है। तो आप अगर गौर करेंगे तो मैं अगर डायरेक्ट में अगर लिखूँ तो एसआई मात्रक और टीजीएस मात्रक का बताऊँ तो आपका सेम आने वाला है। मैंने आपको विभव का जो एसआई मात्रक बताया था वो बताया था जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम मैंने बताया था, जिसको हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। तो ये इसका क्या होता था, मात्रक एसआई मात्रक था। फिर हम लोगों ने सीजीएस मात्रक देखे थे, सीजीएस मात्रक में मैंने आपको बताया था अर्घ प्रति स्थिर कूलम बताया था, स्थिर कूलम ये बताया था, जिसको हम लोग एक बार में लिखा जाए तो हम लोग लिखते थे उसको स्थिर वोल्ट, लिखते थे स्थिर वोल्ट, लिखते थे
ठीक। तो ये जिस प्रकार से विभव का मात्रक होते वहां वही सही मैं यहाँ पे विभवांतर का मात्रक आपको बता रहा हूँ। आप अगर वो पहले वाले वीडियो अगर अच्छे से देखे होंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसका जो विभी सूत्र हो जाएगा वी का डेल वी का विभी सूत्र वो भी सेम होने वाला है, क्योंकि सूत्र तो अपना समान है। ये जो मात्रक है और विभी सूत्र है ये आपके सूत्र से ही बनता है, तो सूत्र सेम है पिछले वाले विभव के सूत्र से। तो इसका जो विभी सूत्र हो जाएगा वो आपके पास निकल के आया था एम ए टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन निकल के आया था। तो जिस प्रकार से विभव का सूत्र विभव सूत्र आया था उसी प्रकार मैं विभवांतर का विभी सूत्र लिख रहा हूँ। तो ज्यादा कोई अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है कि विभव में हम लोग अनंत से प्रेक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर लेके आते थे और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर परीक्षण आवेश को लेकर आते हैं, बस इतना ही अंतर है। ठीक, और ये विभव का अंतर होता है, मात्रक और विभव सूत्र विभव के समान ही होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने विभवांतर को अच्छे से समझ लिया है। अगले वीडियो में इससे जो भी रिलेटेड अपने पास गणितीय क्वेश्चन आएगा या फिर व्यंजक आएगा उसको सॉल्व करने वाले हैं, तो अगले वीडियो का इंतजार करें। और अगर आप इस वीडियो को समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। धन्यवाद।